एवरीवन, मैं सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल फूड जंक्शन में। आज मैं आपको एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ मिल रही हूँ जिसका नाम है कैबेज एंड कैरेट सैंडविच। ये रेसिपी बनानी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनती है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये रेसिपी बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और अब मैं आपको बताती हूँ ये रेसिपी बनाने के लिए आपको क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये है कैबेज, ये है कैरेट और ये यहाँ पे एक टमाटर और एक प्याज है। आपको टमाटर और प्याज मैंने चॉप करे हुए हैं, इस तरीके से चॉप करना है। और ये मैंने कैरेट ली थी, एक कैरेट है और इसी तरीके से आपको काटनी है। और ये कैबेज, ये आधी छोटी कैबेज है। अब आपको यहाँ पे लेना है चाट मसाला, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे क्रीम ली है, ये मैंने एक कटोरी ली है, आप चाहें तो मलाई भी ले सकते हैं और वो भी आपको एक कटोरी लेनी है। और ये यहाँ पे रिफाइंड है, रिफाइंड आप थोड़ा सा ही लीजिए। और यहाँ पे आपको अब चाहिए ब्रेड, ये मैंने ब्रेड ले रखी है, होल व्हीट ब्रेड है, आप इसका भी यूज करेंगे सैंडविच में। चलो आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए आपको रेसिपी के लिए क्या क्या करना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको ये रेसिपी के लिए क्या करना है। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इस एक प्लेट में डाल रही हूँ, मैं आपको एक प्लेट में डालने हैं। देखो मैं सबसे पहले कैरेट डाल रही हूँ, मैंने कैरेट डाल दी है। अब मैं इसमें कैबेज डालूंगी, मैंने कैबेज भी डाल दी। अब मैं यहाँ पे प्याज और टमाटर डाल रही हूं। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं मलाई भी डाल रही हूँ, एक कटोरी मलाई ली थी वो सारी डाल दूंगी मैं। और इसमें चाट मसाला डालना है, चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मैंने चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। अब आपको इन सब इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है, मैं इनको मिक्स करूंगी। देखो मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दी है अच्छे से, मैंने इसमें क्रीम भी डाली थी, आप भी अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ब्रेड लेनी है। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, आपको ब्रेड पे इनको अच्छे से स्प्रेड करना है। आप उतना ही लीजिए जितना ब्रेड पे आ सकता है, ना आपको ज्यादा नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। देखो मैंने एक ब्रेड पे ये लगा दिया है। अब आपको दूसरा पीस ऐसे रखना है। इसी तरीके से आपको सारे सैंडविच ऐसे ही बनाने हैं, आप ऐसे सारे सैंडविच बनाइए। आप देखिए मैंने इस तरीके से दो ब्रेड तैयार कर दिए, उसके अंदर मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे सैंडविच की सारी फिलिंग्स भर दी हैं। अब इस पे मैं ऑयल लगा रही हूँ, आपको दोनों साइड ऑयल लगाना है। आप देखिए ज्यादा नहीं लगाना है, आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, एक इधर की साइड। अब मैं इसके दूसरी साइड भी ऑयल लगाऊंगी। इसी तरह से मैं दूसरे सैंडविच पे भी ऑयल लगाऊंगी। हमारे दोनों सैंडविच पे तेल लग चुका है। अब आपको क्या करना है, एक सैंडविच मेकर के अंदर, देखिए आप ये सैंडविच मेकर पड़ा है, मैं इसके अंदर ये एक अच्छे से सैंडविच बनाऊंगी। ये हमारा सैंडविच मेकर गर्म हो चुका है। आपके पास जो भी कंपनी का सैंडविच मेकर हो, आप उसको जिस तरीके से यूज करते हैं आप उसको उसी तरीके से गर्म कीजिए, या जो भी कंपनी का उसके ऊपर सारी लिखा होता है किस तरीके से उसे यूज करना है, आप वो सब देख के उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पे ये सैंडविच मेकर यूज कर रही हूँ, इसको मैंने सबसे पहले गर्म करा, ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये सैंडविच रखूंगी, आप देखिए। देखिए इस सैंडविच मेकर में इस तरीके से ही सैंडविच रखे जाते हैं, आपके पास जो हो आप उसको उसी तरीके से यूज कीजिए। अब इसको मैं बंद कर दूंगी और इसे बनने में 5 to 6 मिनट्स लगेंगे, और 5 to 6 मिनट बाद हम इसे देखेंगे ये कैसे बने हैं। इसे मैं अच्छे से बंद कर रही हूँ, अब इसे 5 to 6 मिनट के लिए हम छोड़ रहे हैं। देखिए 5 मिनट हो गए, अब हम 5 मिनट बाद इसे खोल के देखते हैं।
देखिए हमारे एकदम रेडी है, सैंडविच बन चुके हैं 5 मिनट्स में। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। आप देखिए हमारे दोनों सैंडविच रेडी हैं, बन चुके हैं। इसी तरीके से आपको ये रेसिपी बनानी है, ये सैंडविच बनाने हैं। आप इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए रेसिपी को। और मैं सृष्टि, अब मैं आपको जल्द मिलूंगी एक न्यू वीडियो और एक न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।